दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आज हम आपको बताएंगे बेटी के जन्म से मिलेंगे 50,000 रुपए और 21 साल की उम्र में मिलेंगे 2,00,000 रुपए। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है और कौन कौन सी बेटियां इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हां दोस्तों, और ये कौन सी योजना के अंतर्गत सभी बेटियों को जन्म पर मिलेंगे 50,000 रुपए और 21 साल की होने पर मिलेंगे 2,00,000 रुपए। तो दोस्तों कैसे मिलेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी बेटियां इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों नीचे आकर आपको कमेंट में लिख देना है आपकी कितनी बेटियां हैं और उनकी उम्र कितनी है। जी हाँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना यानी बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए मिलेंगे और 21 साल की उम्र में मिलेंगे 2,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे करेंगे आवेदन। भाग्यलक्ष्मी योजना 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भूषण हत्या रोकने, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और महिलाएं सशक्तिकरण करना है। बेटी बचाओ योजना की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवार की बेटियों को इस स्कीम के तहत जन्म पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही बेटी की उम्र 21 साल होने पर माता पिता को 2,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटी को बोझ ना समझे बल्कि उसे उसके भविष्य को उज्ज्वल बनाने की सोचे। जी हाँ दोस्तों, यानी भाग्य लक्ष्मी योजना क्योंकि लाभ। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का ब्रांड और 5,100 रुपए की राशि बच्ची की मां को दी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़की की उम्र 21 साल होने पर माता पिता को 2,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके साथ ही कन्या के कक्षा 6 में पहुँचने पर माता पिता को 3,000 रुपए और कक्षा 8 में पहुँचने पर माता पिता को 5,000 रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 10 में पहुँचने पर 7,000 रुपए और कक्षा 12 में नामांकन कराने पर 8,000 रुपए दिए जाते हैं। जी हां दोस्तों, कौन कौन कर सकता है आवेदन भाग्य लक्ष्मी योजना में। जी हां दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को सहायता राशि उपलब्ध होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन परिवार यानी आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। एक परिवार की दो बेटियों को ही भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है, वहीं कन्या का जन्म साल 2006 के बाद हुआ हो। जी हां दोस्तों, आवेदक के परिवार गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल का होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 2,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए। लड़की के जन्म के एक महीने के अंदर आंगनबाड़ी में पंजीकरण कराना जरूरी है। जी हां दोस्तों, कैसे करें आवेदन। जी हां दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी योजना में आप कैसे आवेदन करेंगे। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक की वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एक शपथ पत्र के में डाउनलोड करके भरने के बाद आपको अपने इलाके के आंगनबाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी, तभी मिलेगा बेटी को इस योजना में ये लाभ। जी हाँ दोस्तों, बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए मिलेंगे और जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो उसके माता पिता को 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपकी बेटी है तो आप इस तरह से आवेदन कर पा सकते हैं इस राशि को। जी हाँ दोस्तों, जन्म होने पर 50,000 रुपए और 21 साल की होने पर माता पिता को 2,00,000 रुपए सरकार की तरफ से ये राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।